पहले रुक कर लेते हैं उनका। पहली बड़ी अपडेट है गुरुग्राम से, जहां पर नए साल पर सुरक्षाएं चाक चौबंद रहेंगी। एमजी रोड को नो ड्राइव जोन घोषित किया गया है। मेहरौली गुरुग्राम रोड नो ड्राइव जोन रहेगा। रिंके ड्राइव पर नकेल कसने के लिए 60 जगहों पर पुलिस की तैनाती की गई है, बैरिकेडिंग लगाई गई है। मॉल पब रेस्टोरेंट इन पर विशेष चौकसी रहेगी, निगरानी रहेगी। पुलिस की महिलाओं से अपील है कि कैब टैक्सी में बैठते ही फोटो क्लिक कर पुलिस साइट पर अपलोड जरूर कर दें। बाउंसर की जगह ट्रेन सुरक्षाकर्मी तैनात करने का आदेश पुलिस कमिश्नर के द्वारा दिया गया है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारियां हम दे रहे हैं आपको नए साल को लेकर। सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद जो है वो किया जा रहा है, और खास तौर पर जितने भी पब हैं, रेस्टोरेंट हैं या फिर क्लब्स हैं, उन पर विशेष निगरानी रहेगी पुलिस की। महिलाओं से खास तौर पर अपील की गई है कि कैब और टैक्सी अगर आप लेते हैं लेट नाइट, तो उससे बैठें जब भी, तो पुलिस की साइट पर उसका फोटो जरूर अपलोड करें, ताकि सुरक्षा के नजरिए से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से उस कैब को और आपको ट्रेस ट्रैक किया जा सके किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए। नए साल का जश्न है, ये मनाना भी है होशो हवाश के साथ, जोश भी रहे लेकिन होश उसमें खोने ना हो पाए, इसीलिए पुलिस विभाग लगातार अपनी चीजों को दुरुस्त कर रहा है। और हमारे संवाददाता गुरुग्राम संजय राठौर जुड़ रहे हैं, पूरी जानकारियां देंगे। संजय बताइए, कल का क्या कुछ एक्शन प्लान है, तैयारियां हैं पुलिस महकमे की? जी बिल्कुल केशव, गुरुग्राम पुलिस की मैं बात करूं तो उन्होंने अपना रोड मैप है वो तैयार कर लिया, और क्योंकि जिस तरीके से मैं बात करूं गुरुग्राम के बहुचर्चित एमजी रोड और साथ ही साथ सेक्टर 29 में, जहां पर कहीं ना कहीं गुरुग्राम के सहित हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, फरीदाबाद की बात करें या फिर आसपास के लगते हुए जिलों की बात करें, तमाम जो लोग हैं नए साल का जो सेलिब्रेशन करने के लिए गुरुग्राम आते हैं, और इसी बीच कहीं ना कहीं कुछ शरारती जो तत्व है वो भी आते हैं और उन पर नकेल कसने के लिए अब गुरुग्राम पुलिस कहीं ना कहीं मुस्तैद नजर आ रही है। गुरुग्राम पुलिस ने करीबन 50 टीमें ऐसे लोगों के लिए बनाई है जो कि ड्रंक ड्राइव करते हैं और साथ ही साथ हुड़दंग करते हैं, उनके लिए अलग अलग स्थानों पर, वो चाहे पब की बात करूं, रेस्टो की बात करूं या फिर क्लब की बात करूं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस ने जो सुरक्षा व्यवस्था है चाक चौबंद करने के लिए तमाम, हम बात करें इंस्पेक्टर लेवल रैंक के जो अधिकारी हैं और साथ ही साथ ACP और DSP तमाम अलग अलग जो जोन है उसमें उनकी ड्यूटी लगाई गई, और साथ ही साथ जो PCR है या फिर राइडर की मैं बात करूं वो समय समय पर वहां गश्त करेगी, क्योंकि 2011 की मैं बात करूं गुरुग्राम के एमजी रोड पर हम बात करें जश्न के दौरान कहीं कुछ शरारती तत्व द्वारा कहीं ना कहीं कुछ महिलाओं के साथ अव्यवहार किया, और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस की काफी फजीहत हुई थी। इसी के चलते अब गुरुग्राम पुलिस ने पहले ही जो है अपना एक्शन मोड में कहीं ना कहीं नजर आ रही है। एमजी रोड की मैं बात करूं, फ्री व्हीकल जो जोन है वो होने वाला है गुरुग्राम के सेक्टर 29 में, पार्किंग स्पेस बनाया गया है कि वहां पर अपनी गाड़ी पार्क कर पैदल वो जाएं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस की 3 लेयर की जो बैरिगेटिंग है, यदि वो लोग वहां से जाएंगे तो उन 3 जो लेयर की बैरिगेट्स हैं वो पार करने होंगे, और साथ ही साथ एमजी रोड पर जितनी भी सोसाइटीज हैं जो लोग वहां रहते हैं उनके लिए गुरुग्राम पुलिस अलग से जो है कार पास जो है वो कहीं ना कहीं उनको देगी, जिसके बाद वो अपने घर में एंटर कर सकते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस ने पहले ही अपनी जो पूरी तैयारी है वो कर ली है। 50 टीमें गुरुग्राम पुलिस ने अलग अलग जगह के लिए बनाई है, जिसकी मैं बात करूं गुरुग्राम के एमजी रोड जो कहीं ना कहीं काफी संवेदनशील माना जाता है, उसी के साथ सेक्टर 29 की मैं बात करूं, साइबर हब की मैं बात करूं, सोना रोड की मैं बात करूं, तो तमाम अलग अलग शहर के अलग अलग इलाकों में जहां पर जो इस तरीके का जो क्राउड है जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने के लिए आता है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं अब गुरुग्राम पुलिस सख्त नजर आ रही है। और दूसरी तरफ मैं बात करूं गुरुग्राम के तमाम क्लब बार रेस्टोरेंट के अंदर जो उनके ओनर हैं उनसे भी गुरुग्राम पुलिस ने अपील की है कि वो तमाम लोग अपने CCTV को दुरुस्त कराएं और जो टीम है उनको एक बार चेक करा लें, और जिस क्लब के अंदर CCTV ना वो CCTV लगाएं, क्योंकि इसी बीच कोई अनहोनी होती है, कोई अवरोध की जाती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन पर नकेल कसी जा सके। और साथ ही साथ उनको हिदायत भी दी है कि मार्शल्स यानी कि जो बाउंसर है उनकी बजाय ट्रेन जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनको वहां लाया जाए, या हम बात करें क्लब के अलावा
पर्सनल प्रॉपर्टी पे इस तरीके का जो जश्न बनाते हैं उनके लिए भी जो गाइडलाइंस है वो जारी की गई है कि वहाँ ट्रेन जो सिक्योरिटी के लोग हैं, सिक्योरिटी है वो उसको वहाँ तैनात किया जाए, ना कि बाउंसरों को, क्योंकि जिस तरीके से गुरुग्राम पुलिस ने साफ तौर पर यही कहा है कि नए साल के उपलक्ष्य में जो भी लोग शराब पीकर जो वाहन चलाते हैं, हुड़दंग करते हैं, उनके लिए तमाम जो टीमें हैं वो गठित की गई। और साथ ही साथ इस बार एक्साइज विभाग की जो अलग अलग टीमें हैं गुरुग्राम के अलग अलग हिस्से में जो लीगल तरीके से जो शराब परोसी जाएगी उस पर भी नकेल कसने के लिए तमाम टीमें गठित की गई है। तो इस पर कहीं ना कहीं चाक चौबंद सुरक्षा के बीच जो नया साल है गुरुग्राम में बनने जा रहे हैं।